सो फ्रेंड्स, इसका जो मैक्सिमम हमें सोलर से मिल रहा है वो तकरीबन 4.9 या 5 किलोवाट आप कंसिडर कर सकते हैं। और इस वक्त इनका ये लोड है और ये बैटरी चार्जिंग है, तो ये इसकी टोटल पोजीशन है वो। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ फाइनल पोजीशन ऑफ आवर प्रोजेक्ट। आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट भी पसंद आया होगा और ये एक टेस्ट वीडियो है, इसे आप लाइक करें। अगर आपके कोई ओपिनियन है, कमेंट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं, आई विल वेलकम इट। जी, जो आपने साउंड्स वगैरह सुने, इसमें हमने दो तीन तरह के टेस्टिंग किए थे। वो टेस्टिंग ये थी कि हमने इसमें चेक किया कि ओवरलोड करके इसको चेक किया, हमने वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट ऐड किया हुआ था, उसमें 20 एम्पेयर की सेटिंग रखी थी, लेकिन लोड 31 एम्पेयर का था, तो वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट इसमें पावर नहीं दे रहा था। तो इस वजह से ये सारे चेक हमने इस पर कर लिए हैं और वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है। और इसकी सेटिंग जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या रखी है। 266 अप वोल्टेज हमने रखे हैं, 177 लो रखे हैं, 10 सेकंड का हमने इसमें गैप दिया है, 30 एम्पीयर हमने वापडा की चार्जिंग के रखे हैं। तो ये हमने इसकी प्रॉपर सेटिंग जो है वो इसमें सेट करी है। और ये टोटल जो है अभी जैसा ये जो 6.3 एम्पीयर आपको दिखा रहा है, आपने मेरी एक्टिव और रिएक्टिव की वीडियो देखी है, तो ये जो एम्पीयर शो कर रहा है ये रिएक्टिव बैंड जो है, क्योंकि इसके अंदर वापडा स्टैंड बाय है, MKS मोड एक्टिव है, तो जो आपकी जनरेशन है वो सारी की सारी आपकी सोलर से हो रही है, और सोलर के बाद आपकी बैटरी कंजप्शन होगी, बैटरी कंजप्शन के बाद आपकी वापडा इन होगी। तो ये देखें, इस वक्त ये रिएक्टिव है, देखिए 4.6 जनरेशन है, 4.2 किलोवाट का लोड है, और ये आपको 4.8 या 4.7 एम्पीयर जो दिखा रहा है ये रिएक्टिव दिखा रहा है। तो ये जो दोस्त कंफ्यूजन में शिकार थे या जो क्लाइंट समझते हैं कि इन्वर्टर जनरेट करके भी वापडा से बिजली ले रहा होता है, तो ये एक फॉल्स फिगर होते हैं जिसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे पहले मैंने आपको इनवर्स पे बताया था, तो अब मैं आपको ये प्रोनेस पे क्लियर कर रहा हूँ। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।